नमस्कार, JNV क्लास 6 एडमिशन टेस्ट 2022 अर्थात जवाहर नवोदय विद्यालय वर्ग 6 के 2022 के एडमिशन टेस्ट का ये भाषा परीक्षण का प्रश्न पत्र है। इसमें कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं और इसमें ये प्रश्न अनुच्छेद से दिए गए हैं। 4 अनुच्छेद हैं और उस पर आधारित प्रश्न है। तो पहला अनुच्छेद आइए हम लोग पढ़ते हैं। यह रविवार का दिन था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था, हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बत्तखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज सुनी और पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब आइए इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 61, हरीश पार्क में अपने खाली स्थान के साथ खेल रहा था और ऑप्शन है भाइयों, सहपाठियों, मित्रों, टोली। तो एक बार फिर से हम लोग यहां पर आते हैं अनुच्छेद में। तो देखिए यहां पर है अपने मित्रों के साथ, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, हरीश खाली स्थान तालाब में कूदा। ऑप्शन ए तैरने के लिए, बी मछली पकड़ने के लिए, सी बत्तखों का पीछा करने के लिए, डी स्नान करने के लिए। एक बार फिर हम लोग यहाँ पर आते हैं अनुच्छेद में और फिर से रिवाइज करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हरीश तैरना चाहता था, तो किस लिए किया था, वो किस लिए कूदा था, तैरने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 63, मौसम खाली स्थान था, बहुत गर्म, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा, ठंडा और वर्षा वाला। तो फिर से हम लोग यहाँ पर आके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हरीश ठंडे पानी, तो ठंडा पानी कब होता है, जब बहुत ठंडा रहता है, तो ये बहुत ठंडा हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, तालाब में और कौन था, कुछ बत्तखें, दो लड़के, हरीश के मित्र, मछुआरे। चलिए फिर से वापस देखते हैं, खोजते हैं इसका आंसर। देखिए कहाँ पर कुछ बत्तखें थी, देखिए यहाँ पर है ना आंसर आ गया, यहाँ पर क्या था, कुछ बत्तखें। गोता लगाना शब्द का वैसा ही अर्थ है जैसा खाली स्थान का, तो गोता लगाना मतलब क्या हुआ, कूदना हुआ। अब देखिए अनुच्छेद 2, ध्यान से पढ़ेंगे इसे। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियां और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं। सांपों की दृष्टि बहुत कमजोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी
शल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है, उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो सांप की सुरक्षा करती है। अब इस पर आधारित प्रश्न है 66 नंबर, सांपों को खालिस्थान कहा जाता है। एक बार फिर से वापस जाते हैं इसमें, देखिए रेंगने वाले है ना, यह अनुच्छेद वाले में जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो उसका आंसर उस अनुच्छेद में होता है, तो आप तुरंत उसमें वापस जाकर उसके आंसर को ढूंढ लेना है। सांप कहां जीवित नहीं रह सकते हैं, आइए देखिए यहां पर, ये बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते हैं, तो ये इसका आंसर कौन सा होगा, बर्फ से जमे स्थानों। सांपों का की खालिस्थान कमजोर होता होती है, तो अभी हमने पढ़ा था सांपों की दृष्टि कमजोर होती है। खालिस्थान सांप को चोट लगने से बचाती है, तो आइए फिर से देखते हैं, यहां पर है सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी शल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देती है, तो मृत चमड़ी छोड़ देती है यानी गिर जाता है, उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो सांप की सुरक्षा करती हैं। तो यहां पर देखिए जो बाहरी नीचे की कोशिकाएं हैं बाहर आ जाती हैं, तो वही तो शल्क बन जाती हैं, तो चोट से कौन बचाता है, ये शल्क बचाता है, क्योंकि मृत चमड़ी तो निकल के गिर जाता है, वो तो रहता नहीं है उसके शरीर पर। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय खालिस्थान है, तो जीवित रहना का यानी जीना। अब देखिए अनुच्छेद 3, मैं इसे पढ़ता हूं, आप भी इसे पढ़िए। दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी यानी वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। अब आइए इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 71, लोग खालिस्थान पशुओं का दूध पीते हैं, और इसमें ऑप्शन है एक जैसे, भिन्न भिन्न, समान, उसी तरह के। आइए फिर से वापस जाते हैं, तो यहीं पर हमें मिल गया लोग भिन्न भिन्न पशुओं है ना, तो यह हमारा मिल गया है आंसर, ऑप्शन नंबर 2, भिन्न भिन्न। स्थानों में खालिस्थान स्थानों में ऊंट होते हैं, तो कैसे स्थानों में, अभी हमने पढ़ा है गर्म स्थानों में। यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें कितना दूध मिलता है, कम, बहुत कम, कम, थोड़ा, बहुत सारा। आइए फिर से वापस देख लेते हैं, इस तरह के प्रश्नों में वापस जाके आप फिर से देख लीजिए। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है, तो गाय और अन्य पशु, तो यहां पर हमारा है जब गाय जैसे पशु रखते हैं तो बहुत सारा दूध मिलता है। यह खाली स्थान है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो,
तो यहां पर हमें पढ़ने से ही लग जाता है कि यहां पर आवश्यक होगा, यह आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 75, हानि का अर्थ है खालिस्तान के समान है, तो ये क्षति, हानि का अर्थात क्षति। अब अनुच्छेद नंबर 4, एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया, हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था, प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। प्रश्न संख्या 76, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के खालिस्तान बनाए थे, तो क्या बनाए थे? फल और सब्जियां, तो ये हो गया। अब प्रश्न संख्या 77, हम मुश्किल से ही खालिस्तान फलों और असली में अंतर कर सके, तो यहां वापस जाने की जरूरत नहीं है, आप देखिए वापस यानी अनुच्छेद देखने की जरूरत नहीं है, यहां असली है तो यहां निश्चित रूप से इसका विलोम होगा, तो ये हमारा हो जाएगा कृत्रिम, कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके। अब ये प्रश्न संख्या 78, ये व्याकरण से आ गया, ऐसे शब्द खालिस्तान है, तो ये है समुच्चय बोधक। प्रश्न संख्या 79, भेद का समानार्थी है, यानी ये अंतर, अंतर भेद का समानार्थी है, ये शब्द भेद का ही अर्थ है अंतर। क्वेश्चन नंबर 80, प्रत्येक का वही अर्थ है जो हर एक का है। यह हमने 20 प्रश्नों का उत्तर दिया है, आप इस तरह के और अनुच्छेद पर आधारित प्रश्नों का हल का उत्तर देने की कोशिश करें, इससे आपकी परीक्षा की तैयारी की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से होगी। धन्यवाद।